भारत के जनवादी नौजवान सभा कुल्लू ने जिला पुस्तकालय कुल्लू से संबंधित मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। कुल्लू अध्यक्ष शेर सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में जिला कुल्लू में एकमात्र पुस्तकालय है जो कि ढालपुर में है। छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिला प्रशासन से मांग है कि जिला पुस्तकालय के परिसर का विस्तारीकरण के कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाए व जिला पुस्तकालय को छात्रों के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। जिला उपायुक्त कुल्लू ने जल्द ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं न्यूज़ प्लस के लिए दीपिका मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। भारतीय जनवादी नौजवान सभा कुल्लू, आज हमने जिला कुल्लू पुस्तकालय की कुछ मांगों को लेकर उपायुक्त महोदय को जो है ज्ञापन सौंपा है। आप सभी का ध्यान इस बात की ओर लाना चाहेंगे कि वर्तमान के अंदर, जैसे हम सभी जानते हैं कि पूरा जिला के अंदर एकमात्र पुस्तकालय ढालपुर के अंदर जो बना है वहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। 5,000 के आसपास लाइब्रेरी कार्ड जो है वहाँ पर इशू किए गए हैं, और जब हम छात्रों के बैठने की क्षमता की कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर मात्र 300 लोगों के आसपास बैठने की जो है क्षमता वहाँ पर है। इसके साथ साथ जो है दूसरी ये बात यह है कि कम क्षमता होने के कारण जो है, क्योंकि लाइब्रेरी का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5-10 बजे तक जो है वहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से कम क्षमता होने की वजह से लंबी कतारें जो है छात्रों की लाइब्रेरी के बाहर सुबह 6 बजे से ही जो दिखनी शुरू होती है। इन्हीं मांगों को लेकर हमने आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि जो पुस्तकालय है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उसका विस्तारीकरण का काम किया जाए, और जो ये इस समय वहाँ पर छात्रों का रश है इसको कम करने के लिए जो है वो पुस्तकालय की टाइमिंग को जो है 2400 घंटे जो है पुस्तकालय को खोला जाए, 24/7 इसकी टाइमिंग को रखा जाए, ताकि जो है छात्र आराम से अपनी जो है अध्ययन वहाँ पे कर सके, और जो उनका समय लाइनों के अंदर लगने में ख़त्म हो रहा है, अंदर व्यतीत हो रहा है, वो अपनी पढ़ाई की तरफ जाए।